हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी 999। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचामृत की रेसिपी। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में चढ़ने वाला चरणामृत प्रसाद, इसके आज हम आपको रेसिपी बताएंगे। चरणामृत पंजीरी कैसे बनाई जाती है दोस्तों, आज हम आपके साथ चरणामृत प्रसाद की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे पंचामृत भी बोलते हैं, कई जगह इसे चरणामृत भी कहा जाता है, पर इनकी बनाने की विधि एक ही होती है, एक ही तरीके से ये बनाए जाते हैं। इनको चरणामृत और पंचामृत कहा जाता है, जो कि श्री सत्यनारायण का भोग होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं चरणामृत पंजीरी, पंचामृत पंजीरी। इसके लिए लिया है हमने 1 किलो गाय का दूध, इसे अच्छे से छान लिया है हमने। चिरौंजी ली है, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और इलायची लिए, इसका हम पाउडर बना लेंगे। और तुलसी दल लिया हमने, और बूरा लिया है, दही लिया है और नारियल लिया, इसे हम पीस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। इन सभी सामग्री को हम चरणामृत बनाने के लिए यूज़ में लेंगे। इन्हें कट कर लेंगे। इधर हमने मखाने लिए हैं आधी आधी क्वांटिटी में, आधा चरणामृत के लिए आधा पंजीरू के लिए लेंगे हम। ये देखिए, हमने नारियल को अच्छी तरीके से ग्रेटर की मदद से हमने इसे घिस लिया है इस तरीके से। इस तरीके से हमने बादाम को भी काट लिया है। अब हम डालेंगे बूरा, आप चाहो तो पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही चरणामृत के लिए, मखाने आप चाहो तो कट करके भी डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। चिरौंजी, बादाम कटे हुए, इन्हें हमने कट कर लिया था। सभी आधी आधी सामग्री इनमें डाल देंगे चरणामृत में, तुलसी दल और गंगा जल, इलायची पाउडर, इलायची को हमने कूट लिया, उसके दाने निकाल लिए। घिसा हुआ नारियल, बुरादा इसका नारियल का, इन सभी को अच्छे से मिला देंगे दोस्तों। सभी सामग्री को डालते हुए चलाते हुए अच्छे से मिला देंगे। श्री सत्यनारायण का प्रिय भोग चरणामृत है, जिस श्री हरि विष्णु भी सत्यनारायण का ही रूप है। ये देखिए, हमारा चरणामृत तैयार हो गया है दोस्तों। अब हम इसे ढककर रख देते हैं। अब हम पंजीरी की तैयारी कर लेते हैं। हमने इस कटोपा है, आप अपने चाहो उस क्वांटिटी में ले सकते हो। दलिए हमने मखाने 1 छोटी कटोरी, शक्कर पाउडर, तुलसी दल, कटे हुए काजू, बादाम, चिरौंजी और घिसा हुआ नारियल और घी। हम गैस पर कढ़ाई को रख देंगे पंजीरी बनाने के लिए। इसमें डालेंगे अपना घी, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें आटा, थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है। आपके घर में जितने मेंबर हो उस क्वांटिटी में आप आटा यानी पंजीरी बना सकते हो, आटा ले सकते हो पंजीरी के लिए। इस तरीके से हमने अपना आटा फ्राई कर लेना है धीमे धीमे चलाते हुए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए, बिल्कुल भी जलने नहीं देना है हमें, लो आंच पे ही इन्हें भूनते रहना है। दोस्तों, आपको चरणामृत पंजीरी बनाने से पहले सारे रसोई के जो हम बर्तन यूज में लेते हैं उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए आपको, और अच्छी तरीके से रसोई की साफ़ सफाई रहनी चाहिए। गैस चूल्हा या इंडक्शन चूल्हा जिस पे भी आप प्रसाद बनाने जा रहे हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसकी सफाई होना ज़रूरी है।
और सारे बर्तन अच्छी तरीके से साफ़ होने चाहिए और आप हाथ धोकर अच्छी तरीके से स्वच्छ होकर तभी आप चिरनामृत पनीरी का प्रसाद तैयार करें। दोस्तों, चिरनामृत प्रसाद 5 चीज़ों से बनता है, तभी पंचामृत बोलते हैं। शहद, गंगाजल, दही, बूरा, आटा और जो भी आपके पास मेवा, सूखी मेवा है, ड्राई फ्रूट, उसे भी आप डाल सकते हैं। तुलसी दल, इन सभी चीज़ों से चिरनामृत बनता है। देखिए, अब इस तरीके से अब हमें अपना आटा अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक कि हमारा आटा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। देखिए, अब हमारा आटा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे मखाने। घिसा हुआ नारियल, बूरा यानी कि शक्कर पिसी हुई और जो हमने ड्राई फ्रूट काट के रखे थे उनको भी डाल देंगे। इन सभी को अच्छी तरीके से मिला देंगे। फलों में दोस्तों आप केले, सेब, जो कुछ भी आप फल लेना चाहें वो ले सकते हैं, पर केला फल का होना बहुत ज़रूरी है। केला फल पीले रंग का होता है, इसलिए सत्यनारायण को अति प्रिय है। आप केला का पत्ता नहीं हो तब भी आप केला चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हमारा चिरनामृत पंजीरी बनकर तैयार है दोस्तों। अब हमने श्री हरि विष्णु सत्यनारायण के लिए चिरनामृत पंजीरी का भोग थाली में निकाल लिया है। दोस्तों, आप श्री हरि विष्णु का प्रसाद बनाते समय प्लास्टिक और कांच के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। स्टील का बर्तन, पीतल, तांबे का बर्तन आप ले सकते हैं और पूजा की थाली आप इस तरीके से सजा सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको श्री सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का चिरनामृत प्रसाद आपको बनाना सिखाया। चलिए दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।